हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सबको पता ही होगा, हमारे चैनल पर जो मार्गदर्शन बैच की शुरुआत हुई है उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हफ्ते में 2 दिन मैथ, 2 दिन रीजनिंग और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। उसी को लेकर चलते हुए आज हम आपको फिर से मैथ पढ़ाएंगे, उसके बाद कल से आपकी हिंदी चलेगी। तो कल हमने आपका नया चैप्टर शुरू किया था और उस चैप्टर का नाम आपका था लघुत्तम समाप्त वर्त और महत्तम समाप्त वर्तक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम या एचसीएफ। तो देखिए उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे आज। तो चलिए उसके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2/3 और 10/27 का महत्तम समाप्त वर्तक है। हमसे पूछ रहा है 2/3 व 10/27 का महत्तम समाप्त वर्तक है। जब आपको संख्याएं भिन्न में दी हों और उनका हमसे लासा या मासा पूछे तो क्या किया जाता है? जब मासा पूछा जाता है हमसे, क्या पूछा जाता है बच्चों? मासा। तो अंशों का मासा निकालते हैं, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ये अब मासा पूछ रहा है तो मासा को ऊपर रखेंगे और लासा पूछेगा तो लासा को क्या किए करेंगे हम? ऊपर रखेंगे। तो हमसे मासा पूछ रहा है, देखिए मासा इज इक्वल 2 और 10 का मासा, 2, 10 का मासा और 3, 27 का लासा, 3, 27 का लासा। देखिए बच्चों 2 और 10 का मासा निकालेंगे तो आप गुणनखंड विधि से निकालिए चाहे भाग विधि से, आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 3 और 27 का लासा निकालेंगे तो देखिए लासा भी मैंने आपको नहीं बताया तो लासा देख लीजिए ऐसे, इसका गुणनखंड विधि से निकालेंगे हम। देखिए 3 × 3, 3 × 27, 1, 3 × 9, 1, 1। अब जो भी हमारा इधर आएगा इन सबको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 9, 9 × 27। और तो फिर 3 और 27 का लासा कितना आ गया? 2/27 कितना आ गया बच्चों? 27 आ गया। तो 2/3 व 10/27 का मासा कितना आ गया? 2/27 कितना आ गया बच्चों? 2/27। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9/10, 12/25 और 21/40 का महत्तम समाप्त वर्तक है। तो हमसे बोल रहा है कि 9/10, 12/25, 21/40 का महत्तम समाप्त वर्त है। तो देखिए मासा ही ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? अंशों का लासा मासा निकालेंगे। 9, 12, 21 का मासा, बटे 10, 25, 40 का लासा। तो कहीं आप साइड में निकाल लीजिए, 9, 12, 21 का मासा देख लीजिए क्या होता है। 9 का भाग किस में देते हैं? 12 में देते हैं। 1 बार ले जाएंगे, कितना बच गया? 3, 3 × 9, ये पूरा कट गया, 3 से 21 भी कट जाएगा, यानी 9, 12, 21 का मासा कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। 10, 25, 40 का क्या निकालना है हमें? लासा निकालना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा दे रही हूँ, 10, 25 और 40, 2 × 5 = 10, 25 नहीं कटेगा, 2 × 2 = 4, 5, 25, 2 × 1 = 2, 5, 25, 2 × 5 = 10, 5 से काटते हैं, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, फिर 5 से 1, 1, 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 16 × 5 = 80। उसके बाद देख फिर से मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दी, देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, उसके बाद 8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 40 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। नीलासा कितना आ गया आपका? 200। तो 3/200,
9/10, 12/25 और 21/40 का मासा कितना आ गया? 3/200। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 का मासा महत्तम समाप्त वर्त है। 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27 का हमसे क्या पूछा है? महत्तम समाप्त वर्त पूछा है, यानी मासा पूछा है। तो मासा इज इक्वल अंशों का मासा 1, 5, 2, 4 का मासा बटे 3, 6, 9, 27 का लासा। तो देखिए मासा इज इक्वल 1, 5, 2, 4 का जब मासा निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? एक ही आ जाएगा। 3, 6, 9, 27 का लासा निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा बच्चों? 54। कितना आ जाएगा? 54। यहाँ पे मैंने आपको लासा निकालना नहीं बताया है, क्योंकि अभी मैंने 2-3 सवालों में आपको लासा निकालने का तरीका बता दिया है, तो आप अपने से भी लासा निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 1/54। कितना आ जाएगा? 1/54 आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चों, एक कमरे की बीमाएं क्रमशः 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर हैं। वह सबसे बड़ा पैमाना कौन सा है जो इन तीनों बीमाओं को पूरी तरह माप सके? देखिए जब सबसे बड़ा बोलता है तो हम वहाँ पे क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। और जब सबसे छोटा बोले तो वहाँ पे क्या निकाला जाता है? लासा निकाला जाता है। तो 18, 12, 10 जब आप किसी भी इस तरह के क्वेश्चन दिया हो और आपसे पूछे कि सबसे बड़ा, तो जब अधिकतम बोलता है तो हम वहाँ पे मासा निकालते हैं, और जब न्यूनतम बोलता है तो हम वहाँ पे क्या निकालते हैं? लासा निकालते हैं। तो देखिए 18, 12, 10 का मासा निकाल लेते हैं। 12 का वो 10 का भाग किस में देते हैं? 12 में। 10 एकन्नम 10, 2 10, 2 5 10, ये कट गया आपका। 2 का भाग 18 में देते हैं, 2 9 18, ये भी कट गया। यानी वो अधिकतम बीमाएँ कौन सी है जो तीनों को पूरी तरह से माप सकेगी? 2 मीटर। कौन सी है बच्चों? 2 मीटर आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 134, 159 और 184 को भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे? तो देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि 134, 159 और 184 को जब भाग देते हैं एक वह बड़ी से बड़ी संख्या में, तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। तो देखिए 9 शेष बच जा रहा है, तो क्या करिए आप? घटा दीजिए। तो 9 शेष नहीं बचेगा, सभी संख्याओं में से आप 9 क्या कीजिए? घटा दीजिए। 159 - 9, 184 - 9। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा बच्चों हमसे बोले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इतने इतने को भाग देने पर इतना शेष बच जा रहा है, तो जो शेष बचेगा आप उसको हमेशा क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जब 134 में से 9 घटाएंगे तो 125 आ जाएगा, 159 में से 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 150, 184 में से 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 175। अब इनका आप क्या निकाल लीजिए? मासा निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? मासा निकाल लीजिए तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए मासा निकालते हैं। देखिए अब क्या है आपका? 125, 150 और 175। तो 125 का भाग किस में देते हैं? 150 में देते हैं। एक बार ले जाते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये 2। फिर 125 का भाग 25 में देते हैं, 25 5 125, ये कट गया। 25 का भाग 175 में देते हैं, यहाँ पे 175 है, 175, 25 7 175 होता है। देखिए 7 5 35 हासिल बच गए, 3 7 2 14,
14 में 3 जोड़ेंगे 17, तो आपका ये कट गया। तो आपकी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या आपकी क्या है, 25, जो क्या कहते हैं 134, 59 और 184 से भाग देते हैं, तो प्रत्येक दशम में कितना शेष बचता है, 9। आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? सी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसे क्रमशः 4 मीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 मीटर, 34 सेंटीमीटर और 4 मीटर 65 सेंटीमीटर में मापा जा सके। बड़ी से बड़ी बोल दिया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या निकलेगा, मासा निकलेगा। जब छोटी से छोटी बोलता तो क्या निकालते आप, लासा निकालते। तो देखिए यहाँ पे हमसे बोल रहा है बड़ी से बड़ी, तो देखिए 4 मीटर सबसे पहली लंबाई हमारा है 4 मीटर और 3 सेंटीमीटर। अगला है आपका, अगला कह रहा है 4 मीटर, 34 सेंटीमीटर। आपका अगला है 4 मीटर, 65 सेंटीमीटर। ये आपके तीन पैमाने हमें दिए गए हैं। कह रहा है कि ये बड़ी से बड़ा बताइए जिससे ये क्या किया जा सके, मापा जा सके। तो देखिए हम जानते हैं 1 मीटर में क्या कितने सेंटीमीटर होते हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जो मीटर में है उसको किस में चेंज कर लीजिए बच्चों, आप लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, 4 का गुणा 100 में कर दीजिए, 400 प्लस 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेम कीजिए, 400 गुणे 4 गुणे 100 प्लस 34 सेंटीमीटर। यहाँ भी 4 गुणे 100 प्लस 65 सेंटीमीटर जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा ये 403, ये आपका आ जाएगा 434 और ये आपका आ जाएगा 465। कितना आ जाएगा, 403, 434 और 465 आ जाएगा। अब इनका आप क्या निकाल लीजिए, मासा निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे आप, मासा निकाल लीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्या होगा, आ जाएगा। तो देखिए 403 का भाग मैं 434 में देती हूँ बच्चों, एक बार ले जाते हैं, 1 3 ये हो कट गया 403। तो देखिए अब कितनी बार ले जाएं, अब हम इसको ले जाएंगे एक बार, पहले ले जाते हैं कितनी बार ले जाते हैं एक बार, तो 40 में से 31 घटाएंगे तो आपका 93 आ जाएगा। अब कितनी बार ले जाते हैं, 3 बार, तो 93 से क्या हुआ, 93 पूरी तरह से कट गया। तो अब 31 का भाग 465 में देकर देख लेते हैं क्या ये 465 को काट रहा है कि नहीं। तो देखिए एक बार ले जाते हैं पहले, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका, यहाँ 1 बचा, यहाँ 5। अब कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी आपकी वो बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई क्या है, 31 सेंटीमीटर। आपका फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। हमसे बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे 43, 91 और 83 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखिए ऐसे में क्या करते हैं हम, देखिए हमारे पास संख्याएँ क्या क्या हैं, 43, 91 और 183। तो देखिए 183 में से आप क्या घटाइए, 43 घटाइए, 183 माइनस 43 करेंगे तो आपका आ जाएगा 140। उसके बाद 183 में से आप 91 घटाइए, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 92। फिर आप क्या कीजिए, 91 में से 43 घटा लीजिए, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 48। क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। देखिए अब आपकी नई संख्या क्या मिली है, 140, 92 और 48। जब आपका समान शेष बचने की स्थिति आ जाए तो आप जो संख्याएं दी रहेंगी उन्हें आपस में क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा। अब इनका क्या निकाल लेते हैं, माशा निकाल लेते हैं। देखिए 48 का भाग 92 में देते हैं, एक बार ले जाते हैं, तो देखिए 12 में से 8 गए, कितना बच गया, 4। ये हो गया आपका कितना, 8, 8 में से 4 गए 4। अब इसको कितनी बार ले जाते हैं, एक बार ले जाते हैं, ये बच गया आपका 4।
ये 4 से कट जाएगा, पूरी 4 ग्रह में 44 हो जाएगा। अब देखते हैं 4 से क्या 140 कटेगा, तो 4 का भाग किस में दे देते हैं, 140 में, चरतियाई 12, तो ये 2 हो गया, 0 यहाँ आया, 4 पंजे 20 कट गया पूरी तरह से। यानी आपकी वो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। क्या हो जाएगी, 4 आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 29, 34 और 32, 54 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 और 15 शेष बचे। तो देखिए क्या कीजिए, 29, 34 में से 29, 34 को जब भाग देते हैं तो कितना शेष बच रहा है, 11, तो घटा दीजिए। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 29, 23। देन जब 32, 54 को भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है, 15, इसको भी घटा दीजिए। देखिए घटाने से क्या होगा बच्चों, कि शेष नहीं बचेगा हमारा, पूरी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, वो संख्या कट जाएगी। तो देखिए आप घटा दिए तो आपको कितना आ जाएगा, जब 29, 34 में से आप सॉरी 32, 34 में से आप 15 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 9। उसके बाद देखिए 32, 39, कितना आ जाएगा, 32, 39। अब इनका क्या निकाल लीजिए, मासा निकाल लीजिए। 29, 23 का भाग आप किस में दीजिए, 32, 39 में दीजिए। देखिए एक बार ले जाते हैं, घटा दीजिए 6, 1, 12 में से 9 गए 3, कितना आ गया, 316। अब 29, 23 का भाग 316 में दीजिए, 6 बार ले जाते हैं, सॉरी 6 बार कम हो जाएगा, 9 बार ले जाते हैं। कितनी बार ले जाते हैं बच्चों, 9 बार ले जाते हैं। 9 बार ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 28, 44, कितना आ जाएगा, 28, 44। तो घटा दीजिए, घटाने पर आपका आ जाएगा 79। क्या आ जाएगा, 79 का भाग आप किस में दीजिए, 316 में दीजिए। इसको 4 बार ले जाइए, 4 बार में आपका ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, 79, आपका फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रथम 4 सम संख्याओं से पूर्णतः विभक्त है। वह छोटी से छोटी बोल रहा है, और प्रथम 4 सम संख्याएं पहली 2, फिर 4, फिर 6, देन 8, और हमसे क्या बोला है, छोटी से छोटी बोला है। तो हम इनका क्या निकालेंगे बच्चों, मासा। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चंस की शुरुआत में ही बताया था कि आपको जब बड़ी से बड़ी बोले तो आप वहाँ पे लासा निकालेंगे, और जब छोटी से छोटी बोले तो आप वहाँ पे क्या निकालेंगे, सॉरी जब बड़ी से बड़ी बोलेगा तो वहाँ पे आप मासा निकालेंगे, और जब छोटी से छोटी बोलेगा तो आपको वहाँ पे लासा निकालना है। तो यहाँ पे चलिए लासा निकाल लेते हैं, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तियाई 6, 2 चौके 8, 1 2 एकन 2, 3 2 दूनी 4, 1 1 3, 2 एकन 2, 3 से भाग दीजिए, 1 1 1 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रथम 4 संख्याओं से पूर्णतः विभक्त है, तो आपकी वो संख्या क्या हो जाएगी, 24। जो 24 है आपकी प्रथम 4 संख्याएं 2 से भी विभक्त है, 4 से भी विभक्त है, 6 से भी विभक्त है, और 8 से भी विभक्त है। यानी आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन को बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए बच्चों जो रोज़ नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं, और आप हमारे सभी वीडियोस को बच्चों शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करिए। जो भी ना समझ में आए हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 39 और 46, 61 दोनों को पूर्णतः विभक्त करती है। बड़ी से बड़ी बोल रहा है तो क्या निकालेंगे हम, मासा निकालेंगे। तो 32, 39 का भाग किस में देते हैं, 46, 61 में देते हैं। कितनी बार ले जाते हैं, सबसे पहले हम 1 बार ले जाते हैं, कितनी बार ले जाते हैं, 1 बार 32, 39।
देखिए जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14/22, कितना आ जाएगा 14/22, अब 14/22 का भाग 32/39 में दीजिए तो कितनी बार ले जाते हैं, दो बार ले जाते हैं, दो बार ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 28/44, क्या आ जाएगा 28/44, घटा दीजिए, घटाने पर आपका आ जाएगा 395, क्या आ जाएगा बच्चों 395 का भाग अब 14/22 में दीजिए, 395 का भाग जब 14/22 में देंगे कितनी बार ले जाते हैं, तीन बार ले जाते हैं, तीन बार ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 1185, कितना आ जाएगा 1185, घटाएंगे तो आपका घटाने पर आ जाएगा 237, अब 237 का भाग 395 में देते हैं, एक बार ले जाते हैं, ये आपका यहाँ पे घटाने पर आ जाएगा 158। अब देखिए 158 का मैं आपको यहाँ करके दिखा दे रही हूँ, 158 को 237 में भाग दीजिए, कितनी बार ले जाते हैं, एक बार ले जाते हैं, एक बार ले जाएंगे, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 79। अब 79 को 158 से भाग देते हैं, इसको हम दो बार ले जाएंगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आपका सही वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 79, आपका फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी 79 वो संख्या है जो 32/39 और 461 को, सॉरी 46/61 को पूर्णतः विभक्त कर देगी। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।